जी नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। मैं रविंद्र कुमार पासवान, दरभंगा बिहार। छात्रा सांसद कार्यक्रम को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा के कार्यालय पर किया गया प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश सहमंत्री पूजा कश्यप ने कही, कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो दरभंगा में स्थित WIT संस्थान उसको को एजुकेशन के रूप में तब्दील करने का प्रयास जो किया जा रहा है उसी पे हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। और 30 जुलाई को महिला छात्रा संसद का आयोजन संस्कृत यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। क्या आप लोग चाहते हैं इसको लेकर? हम लोगों का कहना है कि जिस उद्देश्य से यहाँ पे WIT का स्थापना किया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा संचित और पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा द्वारा सृजित यह संस्था जो मिथिला के हर एक गांव से एक छात्रा को इंजीनियर बनाने का जो मूल उद्देश्य था वो नहीं, उसको को एजुकेशन में तब्दील नहीं किया जाए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। क्यों ऐसा कर रहे हैं विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि हो सकता है कि वहाँ सीट खाली रह जाती है, फिर विश्वविद्यालय के पास इतना पैसा नहीं है जिसको नहीं चला सकते हैं। क्या आप लोग मांग करते हैं? हम लोगों का मांग है कि ये WIT संस्था को इसको बंद नहीं किया जाए, को एजुकेशन में तब्दील नहीं किया जाए। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसी के निमित्त हम लोग 30 जुलाई को छात्रा संसद का आयोजन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? पूजा कश्यप, प्रदेश मंत्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? इसका ये उद्देश्य है कि तब्दील नहीं किया जाए, इसीलिए हम लोग 30 जुलाई को छात्रा संसद कर रहे हैं, उसमें हम सभी छात्रा बहनों को आह्वान करते हैं। कहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं 30 जुलाई को? संस्कृत विश्वविद्यालय। आज क्या किए आप लोग? लोग प्रेस वार्ता किए। कहाँ पे, किस जगह पर कर रहे हैं प्रेस वार्ता? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय। कहाँ पर कार्यालय है? मिशनडोला। क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। क्या है? वहाँ देखा है ना? यही सब करा